गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज मैं दुनिया के 10 जहरीले पौधों के बारे में आपको बताऊंगा। आप बने हुए हैं ओसम गार्डन यूट्यूब चैनल पर, मेरा नाम है राकेश, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि पता नहीं किस पौधे के साथ आपका आमना सामना हो जाए, तो ऐसे पौधों से आप दूरी बनाकर ही रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। ये दुनिया के जानलेवा 10 पौधे हैं। 10वें नंबर पर आता है रोनोडेंड्रन। ये पौधा स्प्रिंग ब्लूमिंग प्लांट है, एशियन कंट्रीज़ में पाया जाता है। ये लेट स्प्रिंग में फूल देता है जिसपे पिंक, वॉयलेट, रेड, येलो और वाइट कलर के फूल आते हैं। इस पौधे का हर एक हिस्सा जहरीला होता है, परंतु सबसे ज़्यादा जहरीले इसके पत्ते होते हैं जिनमें एंड्रोमेडिडो टॉक्सिन पाया जाता है और रोडोटॉक्सिन पाया जाता है। अगर कोई जानवर इसको गलती से खा ले तो उसकी दिल की धड़कन कम हो जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और शरीर का बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये था 10वें नंबर पर, और इससे ज़्यादा जहरीला है जैमसन वीड। जैमसन वीड, इस पौधे को डेविल्स वीड या हेल्स बेल के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और कैरेबियन आइसलैंड में पाया जाता है। वैसे तो ये पूरा पौधा ही जहरीला होता है, परंतु सबसे ज़्यादा जहरीले इसके पत्ते और बीज होते हैं। ये पौधा 3 से 5 फीट का हो सकता है। इसके पत्ते 5 से 8 इंच के होते हैं। इस पर क्रीम और वॉयलेट कलर के खुशबूदार फूल आते हैं जो कि गर्मियों में खिलते हैं। इसके जहर से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और आँखों से दिखना बंद हो जाता है और सुनना बंद हो जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य कोमा में चला गया है। शरीर में जहर की मात्रा ज़्यादा होने पर मौत निश्चित है। दोस्तों 8वें नंबर पर आता है एंजल्स ट्रम्पेट। ये एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जिस पर 10 से 20 इंच के बड़े बड़े फूल आते हैं। इसके फूल सफ़ेद, पीले, संतरी, लाल रंग के आते हैं। है ना सुंदर पौधा? तो आप इसकी सुंदरता पर ना जाएं। इस पौधे के हर हिस्से में जहर कूट कूट कर भरा हुआ है, जिस जहर का नाम है ट्रोपेन एल्कोलाइड्स, जो अगर हमारे शरीर में चला जाए तो उल्टी, पैरालिसिस और चलने फिरने लायक नहीं छोड़ेगा, और अगर शरीर में ज़्यादा चला गया तो मौत निश्चित है। दोस्तों 7वें नंबर पर जो प्लांट आता है वो आता है एकोनाइट। इस पौधे को मोंगसूद, वॉल्स बेल या फिर लोपार्ड बेन के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे पौधे में एल्कोलॉइड जहर पाया जाता है, परंतु इसकी जड़ों और गले हुए ट्यूबर्स में सबसे ज़्यादा जहर पाया जाता है, जो अगर कोमा में पहुंचाने के लिए काफ़ी है। नंबर 6 पर आता है सिक्यूटा। इस पौधे को वाटर हेमलॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये खतरनाक जहरीला पौधा नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसकी लंबाई 2 से 2.5 मीटर होती है, जिस पर छोटी छोटी छतरीनुमा आकार के सफ़ेद फूल आते हैं जो एक मोटी मेन स्टेम से जुड़े होते हैं जिसमें पानी भरा होता है, जो बहुत ही जहरीला होता है। हेमलॉक जहरीला पौधा एपिसिया फैमिली से है। इसकी जड़ें और बीज भी जहरीले होते हैं जो मनुष्य के लिए खतरनाक हैं, अगर मनुष्य के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तुरंत प्रभावित करता है। मतलब आपको तुरंत ही, जैसे ही ये जहर आपके शरीर में गया वैसे ही आपको कोमा में पहुंचा देगा। नंबर 5 पर आता है वाइट स्नेक रूट। ये पौधा 3 फीट बड़ा एक जहरीला पौधा है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इस पौधे में एक केमिकल पाया जाता है जिसे ट्रीमेटोन के नाम से जाना जाता है। यदि इस पौधे को जानवर ज़्यादा खा ले तो तुरंत मर जाता है, और यदि कम खाया हो और उस जानवर के मांस या दूध का सेवन मनुष्य कर ले तो यह जहर मनुष्य के अंदर चला जाता है, और इस स्थिति को मिल्क सिकनेस का नाम दिया गया है। 19वीं शताब्दी में मिल्क सिकनेस से हज़ारों लोग मारे गए थे। अब्राहम लिंकन का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब्राहम लिंकन की माता नैन्सी हैंक्स लिंकन भी मिल्क सिकनेस से 1818 में मारी गई थी।
नंबर 4 पर आता है रोजरी पी। पौधे से ज़्यादा इसके बीज अच्छे से पहचानते होंगे आप, ये ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लाल रंग के बीज ही आपको खतरे का एहसास करवा देंगे। ये बीज भारत और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बीज के सेल को तोड़ने के बाद इसके अंदर एब्रिन नामक खतरनाक जहर को देखा जा सकता है। यदि यह खा लिया जाए तो आपके शरीर में सेल को प्रोटीन नहीं मिलने देता, जिसके परिणाम स्वरूप आपके शरीर में सेल मरने लगेंगी, जिससे आपके सांस लेने में दिक्कत होगी, उल्टी, डिहाइड्रेशन, आँखों में दर्द होगा और 72 घंटों में आपकी मौत हो सकती है। दोस्तों, नंबर 3 पर जो आता है वो है ओलियंडर। ये पौधा आपने अपने आसपास पार्क या आपके गार्डन में होगा या फिर आपके घर में भी हो सकता है। ये एक एवरग्रीन श्रब है, साउथ ईस्ट एशिया से है। इस पौधे का प्रत्येक हिस्सा जहरीला होता है। इस पौधे में डिजिटॉक्सिन, नेरिल, ओलियंड्रोसाइड मेन जहर पाए जाते हैं। इसके फूल सफ़ेद, पिंक, रेड रंग में पाए जाते हैं। इसका जहर शरीर में चले जाने पर धड़कन कम या ज़्यादा हो जाती है। ये सीधा दिल और दिमाग पर असर डालता है, तो आप इस ओलियंडर प्लांट से भी थोड़ा सावधानी बनाकर रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है कैस्टर बीन प्लांट। इस पौधे से आप भली भांति परिचित होंगे। कैस्टर ऑयल को दवाइयों में प्रयोग किया जाता है और चमड़ी से संबंधित रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि इसके बीजों को खा लिया जाए तो मनुष्य के शरीर में राइसिन नामक जहर चला जाता है, जिससे मुंह में जलन, दर्द, ब्लड प्रेशर लो हो जाना ऐसे ही लक्षण देखने को मिलते हैं। यदि समय पर सही इलाज ना किया जाए तो 24 घंटे में इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो आप इस पौधे से भी, इसके बीजों से थोड़ा दूर ही रहिएगा, खाने की गलती ना करें। अब दोस्तों, पहले नंबर पर सबसे खतरनाक पौधा या फिर जानलेवा आप इसको बोल सकते हैं, एस्ट्रोपा बेलाडोना। इस पौधे को डेडली नाइट शेड के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ही तेज जहरीला पौधा होता है। इसके अंदर ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो मनुष्य के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। किसी भी अडल्ट मनुष्य के लिए इस पौधे का एक पत्ता या दो बेरी, जो ये आप बेरी देख रहे हैं, ये दो बेरी जान लेने के लिए काफ़ी होते हैं। इसके खाने से चक्कर आना, धुंधला दिखना, सर दर्द, पेशाब में रुकावट होना इसके मुख्य लक्षण हैं, जिससे अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो 6 घंटे में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको मैंने 10 जानलेवा पौधों के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो कोई भी डालूं सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।